हेलो फ्रेंड्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ टू ड्रा आइसोमेट्रिक सर्कल, हाउ टू ड्रा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कल। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हर वीक इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड नए नए वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड किए जाते हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपको इन वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारी जो रेडियस दी गई है सर्किल की, जो रेडियस है, रेडियस जो है वो है हमारी 30 mm। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, 30 mm की हम एक सर्किल बना लेंगे, 30 mm रेडियस की एक सर्किल बना लेंगे। सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। 30 mm एज अ रेडियस, 30 mm मेजर करेंगे कंपास से, और ये 30 mm रेडियस एज अ रेडियस हमें सर्कल बना लेंगे फ्रेंड। ये 30 mm की हमारी सर्कल बन गई। अब इस सर्कल को क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेंटर को O नाम दे देंगे। इस सर्कल को इंक्लोज करेंगे एक स्क्वायर में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी रेडियस कितनी है, 30 mm। तो डायमीटर कितने की होगी, डायमीटर होगी 60 mm की। तो स्क्वायर जो बनेगा वो हमारा 60 mm का बनेगा फ्रेंड्स। ड्राफ्टर को यहाँ सेट करेंगे, 60 mm यहाँ हॉरिजॉन्टल, 60 mm ये रही वर्टिकल, 60 mm वर्टिकल, और यहीं से फिर 60 mm फ्रेंड्स वर्टिकल, और फाइनली ये हमारी हो गई 60 mm। तो हम इसे नाम देंगे, ये हो जाएगी ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो हमने इनक्लोज कर लिया सर्कल को एक स्क्वायर में, इसे नाम दे दिया ए बी सी डी। अब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे इस पे, इसे हम नाम देंगे ओ डैश। ड्राफ्टर को हमने 30 mm पे सेट किया, 30 mm लाइन। अगेन ड्राफ्टर को हमने 30 mm पे सेट किया, 30 डिग्री पे सेट किया, सॉरी ये जो हमारी एंगल होगी वो 30 डिग्री की दो लाइन हमने बना दी। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए पॉइंट को ओ पे रखेंगे। ए डी एज ए रेडियस, ए डी की जो मेजरमेंट है, ए डी एज ए रेडियस हम यहाँ पे कट लगाएंगे, और ए बी सेम है हमसे इस लाइन पे कट लगाएंगे। जैसा कि स्क्वायर है तो सारा जो स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड जो है हमारी 60 mm की है। हमने 60 mm एज ए रेडियस कंपास को सेट किया, और यहाँ मार्क लगाया, यहाँ मार्क लगाया। फाइनली इन दोनों पॉइंट से सबसे पहले इसे नाम दे देंगे फ्रेंड्स। ये जो हो जाएगी पॉइंट हमारी ए होगी, दिस इज आवर डी। ए डी को हमने लिया था एज अ रेडियस, ए बी को इधर हमने लिया, दिस इज बी। डी एंड बी से हम 60 mm रेडियस एज अ रेडियस लेके मार्क लगाएंगे। दोनों आर्क यहाँ पे कट होगी, इसे हम नाम देंगे दिस इज आवर सी। ड्रॉइंग किया हमने इसे सी डी सी को और सी बी को। फाइनली ये जो स्क्वायर है फ्रेंड्स वो हमारी रोम्बस बन गई है आइसोमेट्रिक व्यू में। ये हमारी स्क्वायर जो है वो रोम्बस बन चुकी है। अब इनका जो मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, ए डी सी डी सी बी और ए बी का मिड पॉइंट। नाम देंगे पी क्यू आर एस, सी से पी को ज्वाइन करना है फ्रेंड्स हमें, पी एंड एस को। सी से हमने ये पी को ज्वाइन किया और सी से हम एस को ज्वाइन करेंगे। ये सी से हमने एस को ज्वाइन किया, उसी तरह से नीचे से ऊपर ए को हम क्यू से ज्वाइन करेंगे, क्यू से ज्वाइन किया, और ए को हम आर से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने सी पी और ए क्यू कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम नाम दे देंगे
इसे हम नाम दे देंगे फ्रेंड्स P1, और ये जो CS और AR की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे नाम दे देंगे P2। ओके, P1 एज ए सेंटर एंड P1Q एज ए रेडियस हम एक आर्क लगाएंगे, ये जो होगी हमारी PQ आर्क। उसी तरह से P2 एज ए सेंटर, PR एज ए P2R एज ए रेडियस हम एक आर्क लगाएंगे, SR आर्क। A एज ए सेंटर AQ एज ए रेडियस एक आर्क लगाएंगे, ये होगी हमारी QR आर्क। C एज ए सेंटर CP एज ए रेडियस हम एक आर्क लगाएंगे, ये होगी हमारी PS आर्क। ये जो है हमारी आइसोमेट्रिक सर्कल हो गई, दिस इज आवर आइसोमेट्रिक सर्कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।